ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। जिस चीज में आपकी ज्यादा रुचि होगी उस चीज में ही आप बार बार अपने आप को मन लगाओगे और बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ोगे तो वैसा ही जो उसमें लिखा होगा वैसा ही आपका आचरण बनता चला जाएगा। तो समीचीन मार्ग पर आप आ नहीं पाओगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति यही कहेगा सब कुछ पढ़ो सब कुछ उपदेश सुनो, और विवेकी व्यक्ति ये कहेगा कि भैया जो सद उपदेश है उसको सुनो जो असत है उसको छोड़ो। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति विवेकी व्यक्ति से कहेगा भाई छोड़ने की क्या बात है, सब सुनो सब जानो बिगड़ो नहीं। समझ आ रहा है? वो उसको क्या पढ़ाएगा, सब सुनो सब जानो बिगड़ो नहीं। विवेकी व्यक्ति कहता है उससे भैया सब सुनोगे सब जानोगे तो बिगड़े बिना रहोगे नहीं। समझ आ रहा है? फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति उससे कहता है अरे ये तो तुम्हारे दिमाग की कमजोरी है जो तुम बिगड़ जाते हो। तो विवेकी व्यक्ति उससे फिर कहता है कि भैया जब तुम सब जान लोगे सब पढ़ लोगे तो चलोगे किसके अनुसार ये तो बताओ, सबके अनुसार चलेंगे तो फिर सबके अनुसार तुम नहीं चल पाओगे, चलना तो एक के अनुसार पड़ेगा। सुन सब सकते हो पढ़ सब सकते हो लेकिन जब चलने की बात आएगी तो आपको एक चीज प्रमाणिक मान करके सामने रख करके चलनी पड़ेगी कि मैं इसके अनुसार आचरण कर रहा हूं इसके अनुसार चल रहा हूं, और जिसके अनुसार चलोगे उसी तरीके के मार्ग पर चल पाओगे और उसी तरीके की आपके अंदर भटकन आएगी। तो फिर पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए अगर ये बात समझ में आ पाती है तो वह समझ पाता है कि हाँ ये विवेकी व्यक्ति जो है वो कुछ सही कह रहा है। लेकिन विवेकी व्यक्ति अगर पहली बार अगर किसी को बताता है तो पढ़े लिखे व्यक्ति को यही समझ में आता है कि ये हमको दुनिया से अलग करना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा ना दो चीजों के बीच में अंतर, एक विवेकी और एक पढ़ा लिखा, मतलब ये लौकिक पढ़ाई पढ़ा हुआ जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है। समझ आ रहा है? और एक विवेकी व्यक्ति वो कहता है भैया दुनिया में ये सब बातें पहले कई बार सुन चुके हैं कई बार जान चुके हैं और इन उपदेशों में पहले भी हम कई बार भटक चुके हैं, अब हमें इन उपदेशों में नहीं पढ़ना है जो सत उपदेश है उन्हीं में पढ़ना है। ये कौन बोलता है? विवेकी। और पढ़ा लिखा क्या कहेगा? सब पढ़ो सब सुनो, जितने भी दार्शनिक है सबकी मानो सबकी सुनो सबसे ज्ञान लो। जितना ज्यादा सुनोगे जितना ज्यादा सबकी जानोगे उतने ही ज्यादा तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। समझ आ रहा है? और विवेकी व्यक्ति क्या कहता है? भैया सबके चक्कर में पड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। थोड़ा बहुत अगर किसी से कुछ कभी कहीं पढ़ना पड़ जाए जानना पड़ जाए अलग बात है, लेकिन लाइन तो पहले एक पक्की कर लो कि हमें चलना किस पे, कौन सी लाइन सही है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है भैया सब में से थोड़ा थोड़ा ले लो, सब में सब कुछ सही रहता है, कुछ ना कुछ सही रहता है। तुम भी अनेकान धर्म को जानते हो ना, हम भी जानते हैं। देखो कैसी विडंबना है जो मैं आपको बता रहा हूं। समझ आ रहा है? जो पढ़े लिखे बच्चे सामने आते हैं और उनके सामने जब आप अपनी बात रखते हो और आपके मन में एक ही बात रहती है और उनके मन में बीसों बातें रहती हैं, तो आप जब उनसे तर्क करते हो तो इसी तरीके के तर्क चलते हैं और आप उनसे अंततः हारते हो। समझ आ रहा है? अब वो अनेकांत की एबीसीडी भी नहीं जानता लेकिन उसने नाम सुन रखा है अनेकांत, तो वो जानता है। बोले अनेकांत धर्म है, आप एकांती क्यों बने जा रहे हो कि आपको केवल अपने ही शास्त्र पढ़ने और दूसरे के शास्त्र नहीं पढ़ने। अब देखो कैसा पासा पलट गया। जो सन्मार्ग पर चलने वाला है वो तो हो गया एकांती, और जो कुमार्ग पर चल रहा है वो हो गया अनेकांती। पलट गया पासा, सब कुछ उल्टा हो गया।
उसको अनेकांत के नाम पर एबीसीडी कुछ नहीं आती, बस उसने अनेकांत का केवल नाम सुन रखा है, समझ आ रहा है। तो उसने उसको समझा दिया जो अनेकांत के अनुसार चल रहा है, उसने उसको समझा दिया कि भाई अनेकांत का मतलब ही है थोड़ा 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 समय से ज्ञान लेते रहो, सबको थोड़ा 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 मानते रहो, सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते रहो और इससे अपना ज्ञान भी बढ़ेगा, इसी से अनुसार काम चलेगा तो सही रास्ते पर चल पाओगे। सुन रहे हो, यहां क्या कहा जा रहा है? विवेक अपने अंदर पैदा करो, सत क्या असत क्या। सत माने होता है रियल और असत माने होता है अनरियल। सही क्या गलत क्या, इसका विवेक पैदा करो। जब आपके पास में सही ज्ञान देने वाले उपदेश हैं, शास्त्र हैं, आचार्यों की वाणी है, तो फिर आप असत उपदेश में क्यों इंटरेस्ट रख रहे हो? क्या समझ आ रहा है? पढ़े लिखे हो कि विवेकी हो? है मतलब यहां पे कोई पढ़े लिखे नहीं है? जब कोई व्यक्ति अपने मन में विचार लाता है तो वो इसी तरीके के विचार लाता है, और दो लोगों के बीच में जब कोई चर्चा होती है तो इसी प्रकार के एक जो लेवल में अंतर आता है उसी कारण से ऐसी चर्चा होती है। अब आप समझो कि आपने अपनी बुद्धि से, जो पढ़ा लिखा है उसने अपनी बुद्धि से किसी भी चीज को ना परखा है ना जाना है, समझ आ रहा है, लेकिन उसने सबको सबको जान करके अपने आप को बुद्धिमान बना लिया और ये समझ लिया कि मैं सब कुछ जानता हूं। आखिर दुनिया में, अब एक बात सुनो, उसको कुछ ये लौकिक उदाहरण देकर के अब उसको समझाने की कोशिश करो, जो पढ़ा लिखा है अभी समझा नहीं आपकी बात को। क्या समझ आ रहा है? उसको ये समझाने की कोशिश करो कि दुनिया में कोई भी काम होता है तो वो एक क्वालिटी के अनुसार, एक ज्ञान के अनुसार, एक रास्ते पर चलने के अनुसार ही होता है। कैसे होता है अब समझने की कोशिश करो। आप बाजार में गए और बाजार में आपको कुछ खरीदना है, समझ आ रहा है? आपको मालूम है कि हम जिस बाजार में पहुंचे हैं उस बाजार में सब जगह ठगने वाले लोग बैठे हैं। ऐसे ही बाजार होते हैं? मेरठ में नहीं है, दिल्ली वालों से पूछो, दिल्ली में है कि नहीं है? भरा पड़ा है। एक दुकान होती है उसके आगे पीछे बगल आजू बाजू में 20 दुकानें और खुल जाती हैं और सही दुकान कहां चली गई ये पता ही नहीं रहता है। सही क्वालिटी वाला माल कहां है पता ही नहीं मिलेगा, और आजू बाजू में 20 और बैठ जाएंगे तो आने वाले ग्राहक को पहले वही कैप्चर कर लेंगे, समझ आ रहा है? अब ग्राहक जब कोई सही चीज लेने जाता है तो अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो क्या सोचेगा? अब इधर सोचो, सब जगह दुकानें हैं, सब एक सी दुकानें हैं, सब जगह से कुछ कुछ ले लो, थोड़ा थोड़ा सब जगह ले लो, सब में ही कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी। मान लो कोई खाने की वस्तु है, सबने अपने अपने तरीके से मिलावट कर रखी है लेकिन उसे नॉलेज नहीं है इस बात की कि कौन सी वस्तु सही होती है। मान लो नॉलेज नहीं है टेस्ट करने का कौन सा घी सही है, कौन सा घी मिलावट वाला है, कौन सा खोआ सही है, कौन सा खोआ मिलावट वाला है, सब चीजें होती है कि नहीं? हर चीज में हर मिलावट के साथ में ही दुनिया चल रही है, उसी के साथ सबकी दुकानें चल रही हैं, समझ आ रहा है? उन 20 दुकानों के बीच में
एक दुकानदार बैठा है शांति से, एक रेट है, एक माल है, आएगा जो भी उसको एक माल बिना मोल तोड़ के, क्या बोलते हो आप लोग, मोल भाव के, हाँ एक रेट में ही दूंगा, शुद्ध दूंगा। अब जो कुछ भी है उसका विश्वास बने या ना बने, लेकिन एक दुकानदार उन 20 के बीच में बैठा है, है? हाँ फिक्स प्राइस, समझ आ रहा है? एक तो होगा ही जो शुरू करता है कहीं से कोई चीज, पहली बार जब कोई दुकान खुलती है किसी मोहल्ले में तो पहले एक ही खुलती है, सही तरीके से खुलती है, और धीरे धीरे फिर उसके आसपास 20 बैठ जाने लग जाते हैं। बोले इसकी क्यों चल रही है? बोले मैं भी चलाऊंगा। बोले ये कितने में देता है? बोले 50 रुपए किलो देता है मिठाई, मैं 45 की दूंगा, 40 रुपए किलो की दूंगा। समझ आ रहा है? तो ग्राहक कहां जाएगा? वो कहेगा ये भी खोए की मिठाई, ये भी खोए की मिठाई, ये भी खूब टेस्टी लग रही है, ये भी खूब टेस्टी लग रही है। अब जो सही दुकानदार था वो कहता है कि भाई देखो अब हम क्या कहें तुम्हें, क्या समझाएं? अब एक ही बात है कि तुम या मिठाई पर विश्वास कर लो या हम पर विश्वास कर लो। क्या समझ आ रहा है? या तुम मिठाई पर विश्वास कर लो तो ठीक है, फिर हम मिठाई देखो तो मिठाइयां तो सबको तुम्हें एक जैसी दिखेंगी, या तो हम पर विश्वास कर लो कि हम कह रहे हैं कि ये माल बिल्कुल सही है। अब तुम्हारी समझ में कैसे आए माल बिल्कुल सही है? अब तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए सही और गलत की फर्क करने की, इसमें कोई मिलावट नहीं है। समझ आ रहा है? तो उस आदमी के लिए कैसे विश्वास आएगा कि ये दुकान सही है और बाकी की दुकानों पर मिलावट होती है? अब उसके दो तरीके हैं, समझने की कोशिश करना हर चीज को, सब दुकानदारियां चल रही सब जगह। अब उसके दो तरीके हैं, या तो वो अपनी बुद्धि से खूब पहले ये ज्ञान हासिल कर ले कि मिलावट वाला खोआ कैसा होता है और शुद्ध खोआ, कुछ ना कुछ तो उसका टेस्ट होता है। टेस्ट माने जीव का टेस्ट नहीं, लेबोरेटरी टेस्ट भी तो कुछ होता है, या तो पहले उसकी नॉलेज हो उसको, अथवा वो कहीं ऐसे कोई पुराने लोगों से बात करे कि भाई ये जो मोहल्ला है इसमें 20 दुकानें हलवाइयों की खुली हैं, इसमें सबसे पहली दुकान, पुरानी दुकान, विश्वास की दुकान कौन सी है, कौन बताएगा? अगर वो आदमी किसी अपरिचित भले ही हो, लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जो उस मोहल्ले का अच्छा जानकार हो, जब से दुकानें खुलना शुरू हुई तब से वो वहां पर रह रहा हो, सबका माल खा रहा हो, सबकी आदत जान रहा हो, तो ऐसा कोई आदमी भी हो सकता है जो बता सकता है बेटा है तो दुकानों 20 लेकिन तुम जाना, अगर सही माल चाहिए, प्योर माल चाहिए, शुद्ध चाहिए, तो पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना, 2-5 रुपए आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, सही माल चाहिए तो उसी दुकान पर चढ़ना, उसी आदमी की बात सुनकर के जो वो सही बताए वही मान लेना। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तरीके तो दो ही हैं, या तो आपके पास इतनी बुद्धि हो कि अपनी बुद्धि से परख लो हर चीज, और या फिर जो अनुभवी हैं उनकी बात मान लो, दो में से एक ही तरीका है। नहीं समझ आ रहा है? क्या करोगे बताओ? या तो बुद्धि हो, लैब तक जाने की क्षमता हो, टेस्ट सबके माल टेस्ट कराने की क्षमता हो तो बात अलग है, और इतना नहीं है बोले यार अपने को तो मिठाई खाने से मतलब है, अब सबकी टेस्टिंग करते फिरेंगे कितने महीने लगेंगे, अपन को तो मिठाई आज खाना है, तो जो मिले सो खा लो, तो क्या होगा? खा तो लोगे, मीठी भी लग जाएगी, टेस्टी भी लगेगी, लेकिन वो मिठाई
उसके अंदर मिली हुई चीजें वो सब आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होंगी और वो चीजें प्योर नहीं होंगी। समझ आ रहा है? अब उस पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाओ इस उदाहरण के माध्यम से। जिन पढ़े लिखे लोगों की ये एक धारणा बनती चली जाती है, सब कुछ पढ़ो, सब कुछ जानो, सबके अनुसार चलो, सबको सुनो, वो सबसे पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं। समझ आ रहा? अब इसी उदाहरण को अगर आप इस मिठाई के साथ में लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर तुम यही सबके सबकी सबकी दुकानों में जा जा करके सबका माल लेते रहोगे, सबका खाते रहोगे, सबका टेस्ट करते रहोगे तो क्या होगा? महाराज कह रहे पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, है डॉक्टर के पास जाएगा। तो अंतर है कि नहीं? एक सही चीज में और 20 चीजें हैं, उन सब में से हम कुछ ले रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? विवेकी का मतलब क्या है? जो 20 दुकानों को छोड़कर के एक सही दुकान पर ही जाकर के टिकता है उसको कौन बोलते हैं? विवेकी। सुन रहे हो दिल्ली वालों? तुम नहीं सुधरोगे। अब मेरठ वाले तो सुनते ही रहेंगे, दिल्ली वाले कभी कभी आते हैं ना। सेक्टर 11 भी आया है, प्रशांत विहार भी है, अहिंसा विहार भी है। सुन रहे हो ना? समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? ये तो मेरठ वाले बोल रहे हैं, दिल्ली वाले बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि घूमते घूमते आ गए। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, अब घूमने निकले तो चलो अब वहीं पे चलते हैं, ऐसा तो नहीं? ऐसा भी हो जाता है। समझ आ रहा है? यही एक अंतर होता है पढ़े लिखे में और विवेकी व्यक्ति में। समझ आ रहा है? विवेकी व्यक्ति हर चीज के भेद को जानता है, भेद माने अंतर को जानता है, सही और गलत के अंतर को वो बखूबी जानता है और उसके बाद में वो अपना निर्णय खुद लेकर के अपने निर्णय के अनुसार खुद चलता है। वो इस बात पे नहीं चलता है कि किसकी दुकान पे कितनी भीड़ लगी है। समझ आ रहा? हो सकता है जो पुराना दुकानदार हो उसकी दुकान वही छोटी सी हो, पुरानी सी हो, नए दुकान वालों ने बहुत बड़े बड़े शोकेस बना रखे हो, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बना रखी हो, बड़े बड़े एडवर्टाइज कर रखे हो और ज्यादा भीड़ उन्हीं पर चढ़ रही हो, सब तरीके की वहां पर सुविधाएं हो, एसी लगी हो, अच्छी अच्छी चेयर्स लगी हो, टेबल लगी हो, डाइनिंग टेबल हो, सब कुछ हो, सोफा सेट भी लगे हो, बैठ करके लेट करके खाने पीने के सब सिस्टम हो, टीवी भी सामने लगी हो, और जो बेचारा पुराना दुकानदार है, असली दुकानदार है, उसके यहां एक पंखा भी ना हो, क्या करे? बुराई किसी की कर नहीं सकता कब तक? और यह भी सोचता है कि आखिर इन लोगों में कोई परख है नहीं, ज्ञान है नहीं, तो परख आए कैसे? अब क्या करें, इतना समय भी नहीं है कि इन्हें हर परख करने की कोई चीज बताई जाए, सबकी बारे में बताएं तो बुराई हो जाती है, बुराई भी नहीं करना है। नहीं समझ आ रहा? एक सही दुकानदार क्या सोचता है? अब हम दूसरे दुकानदारों की बुराई भी क्यों करें, यह भी एक अच्छी बात नहीं है। और पढ़े लिखे आदमी के सामने अगर बुराई करें तो वो जल्दी समझ लेता, भैया इसकी बुराई कर रहा है तो यही आदमी बुरा होगा, तो उसको बुराई भी नहीं करनी पड़ती। अब करे तो करे क्या वो? देखो कितनी मुसीबत होती सही आदमी के साथ में। नहीं समझ आ रहा? अब उस दुकानदार के पास में जब वो ग्राहक पहुंचता है तो दो ही बातें सामने आती हैं, या तो उसने सब कुछ टेस्ट करके वो टेस्ट लिया हो, या फिर उस दुकानदार की वैलिडिटी। समझ आ रहा है? वो वैलिडिटी किससे मालूम पड़ती है? जो और लोग होते हैं आसपास के, उनसे पता पड़ता है कि हाँ भाई ये चीज वैलिड है। समझ आ रहा है? ISI मार्का लगा हुआ है। नहीं समझ आता? पूछना तो पड़ेगा किसी से, और पूछ करके फिर क्या करना पड़ेगा,
एक ही चीज को चुनना पड़ेगा तभी आपके लिए सही चीज उपलब्ध हो पाएगी। समझ आ रहा है? आजकल के पढ़े लिखे लोगों को यह समझाना बहुत कठिन हो गया है। अगर इस उदाहरण से कुछ समझ में आता हो तो हम समझ सकते हैं कि आपकी बुद्धि कुछ सही हो सकती है। सब कुछ जानना देखना एक अलग बात है, सुनना पढ़ना भी एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको सही की परख होगी तो आप सुन लोगे, उसमें आसक्त नहीं होगे। सुन लोगे, देख लोगे, आखिर दुकानें दिख रही हैं, सब देखने में आ रही हैं, सबकी मिठाइयां देख लो, लेकिन अगर पेट भरने की बात होगी, मन भरने की बात होगी, तो सबसे मन नहीं भरा जाएगा, पेट तो एक से ही भरा जाएगा। बताओ सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कि सबको चक चक के पेट भर लोगे और ऐसा करोगे तो नुकसान पढ़े लिखे व्यक्ति का ही होगा। समझ आ रहा है? तो पढ़े लिखे में और विवेकी में एक अंतर होता है, उस अंतर को यहां बताया जा रहा है ना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सुधी, सुधी माने बुद्धिमान तो सभी होते हैं, धीमान, लेकिन उसमें सु शब्द और लग जाता है, तो वो अच्छी बुद्धि वाला जो होता है वो विवेकी व्यक्ति कहलाता है। उस विवेकी व्यक्ति के लिए यहां कहा जा रहा है कि आखिर ये कब अपने आप में ये समझेगा कि मैं अन्य जो शास्त्र हैं उनसे न ठगा जाऊं। समझ आ रहा है? तो इसलिए कह रहा था ठगाई सब जगह है, शास्त्रों में भी ठगाई है और शास्त्रों के जो उपदेश देने वाले हैं उनमें भी ठगाई है। समझ आ रहा है? बिना ठगे आप अपनी जिंदगी निकाल लो, ये बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग ठगते ठगते बच जाते हैं। समझ आ रहा है? और कई लोग ठग जाते हैं और फिर ठग करके भी उसी तरीके से ढल जाते हैं, फिर वो दूसरों को ठगना शुरू कर देते हैं और फिर सोचते हैं भैया दुनिया में सब ऐसे ही चलता है तो दुनिया में इसी तरीके से जिया जाता है, तो उनकी वही लाइफ स्टाइल बन जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी तो बोलो। जिस तरीके से लौकिकता में दुनिया में अपनी चीजें लेने के लिए हम कई बार ठगे जाते हैं, ऐसे ही धर्म के मार्ग पर भी इस तरह से ठगना चलता रहता है और उस ठगने से बच जाएं वो बहुत कम लोग होते हैं, विरले लोग होते हैं। समझ आ रहा है? कोई बहुत अच्छा पुण्य हो तभी वो आदमी ऐसे ठगों से बच पाता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि उस ठगाई के चक्कर में कोई पढ़ता नहीं हो, सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ गए थे। समझ आ रहा है? लेकिन कुछ पुण्य होता है तो बच जाते हैं। समझ आ रहा है? तो वही चीज चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई अच्छा, आपकी बुद्धि होगी, अच्छा सौभाग्य होगा, कोई अच्छा पुण्य होगा तो बच पाओगे, नहीं तो पता पड़ेगा तुम भी ठगो और दूसरों को भी ठगते रहो। यही बात आगे फिर कही जा रही। देखो क्या लिखते हैं। असत शास्त्र प्रणेतारः प्रज्ञा लव मदोद्धता संति के चिच्च भूप्रष्टे कवयः स्वान्यवंचका। आगे 27वां श्लोक। स्वतत्व विमुखैर्मूढ़ैः कीर्ति मात्रानुरंजितैः कुशास्त्र छद्मनालोको वराको व्याकुलीकृत। पढ़े दोनों श्लोक। असत् शास्त्र प्रणेतारः प्रज्ञा लव मदोद्धता संचित के चिच्च भूप्रष्टे कवयः स्वान्यवंचका स्वतत्व विमुखैर्मूढ़ैः। क्या
क्या कहा जा रहा है? असत शास्त्रों के प्रणेता, क्या लिखा? प्रणेता, प्रणेता जानते हो है ना, हाँ, उस चीज को बनाने वाले, असत शास्त्रों को तैयार करने वाले, ऐसे असत शास्त्रों के प्रणेता कैसे? प्रज्ञा लव मदोद्धता, प्रज्ञा तो है लेकिन थोड़ी है, और उसके कारण से मद ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि उसके अहंकार में वो सब कुछ करते चले जा रहे हैं। हाँ, इतने संति माने ऐसे भी लोग होते हैं, केचित माने कितने ही होते हैं, भूप्रष्टे माने इस धरातल पर, कवयः स्वान्य वंचका, ऐसे कवि हैं जिन्होंने स्व और अन्य दोनों को ठगा है, अपने को भी ठगते हैं दूसरों को भी ठगते हैं। समझ आ रहा है? आप देखो, साहित्य के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, किन्हीं भी ग्रंथों को उठा करके देखो, काल्पनिकताओं की कहानियां मिलेंगी, खूब श्रृंगार आदि रसों के माध्यम से लोगों को लुभावने के तरीकों के माध्यम से बड़े बड़े कवियों की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सारभूत बात उसमें से क्या निकलती है? कुछ भी नहीं निकलती है। सारभूत कुछ भी नहीं, अपने को भी ठगा, दूसरे को भी ठग रहे हैं। अपने को इसलिए ठग लिया कि हम कवि हैं, बहुत अच्छी संस्कृत जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे छंद बना लेते हैं, ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई कि इनके बराबर का कोई दूसरा कवि नहीं है और इनके बराबर की कोई दूसरे छंद का ज्ञाता नहीं, इनके बराबर कोई शास्त्र रचना कर नहीं सकता है। समझ आ रहा? क्योंकि ये कविताएं लिखने का, ये भी एक कविताएं हैं, ये संस्कृत की कविताएं कहलाती हैं, सुन रहे हो? हाँ, आजकल तो ये हिंदी हिंदी की कविताएं चलती हैं, हाँ? लेकिन ये क्या है, पहले एक जमाना था जब लोग संस्कृत में ही ऐसी कविताएं लिखते थे। श्लोक क्या है? ये कविताएं हैं, कवि के भाव का नाम ही कविता होता है। जो इस तरीके के श्लोक के छंद में पढ़े जा रहे हैं, ये कविता के छंद है। तो पहले लोग इसी तरह से शास्त्रों की रचना करते हैं, करते थे, राजाओं के सामने रखते थे अपने शास्त्रों को बना बना करके, और राजा को जो अच्छा लग जाता था उसी कवि की प्रशंसा करता था, उसी कवि को उपहार देता था, और उसी कवि की बात जो है फिर पूरे राज्य में फैल जाती थी। ये सब होता था। और उसी समय पर अब ऐसे भी लोग हैं, अब होड़ लगती है, भाई हमको भी चीज बनाना है, सही चीज भी बनाना है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने, अब उनके पास मान लो कुछ ऐसी विद्या आ गई, प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, बुद्धि आ गई, अच्छे अच्छे छंद, अच्छी अच्छी कविताएं, रसदार सब चीजें बना सकते हैं वो, तो लोग किसको देखेंगे, किसको पढ़ेंगे? जिसमें रस आए। समझ आ रहा है? जिससे क्या बढ़े, कल बताया था ना, उद्वेग बढ़े, आवेग बढ़े, वो किससे बढ़ेगा? तो जब आपको रसदार बातें बोली जाएंगी, श्रृंगार रस से भरी हुई, समझ आ रहा है, माधुर्य रस से भरी हुई, प्रकृति की, स्त्री की, इस तरीके की जब बातें की जाएंगी तो उसमें सबको रस आएगा। किसको नहीं आएगा? सबको ही आएगा। तो जिसमें सबको रस आएगा तो सब लोग उसी चीज को पकड़ेंगे जिसमें ऐसे रस ज्यादा हैं। तो बहुतायत किसकी हो गई? बहुतायत लोग कैसे होते हैं? जिन्हें इन्हीं प्रकार के रसों में मजा आता है। तो बहुतायत लोगों के लिए यही चीज पकड़ में आएगी जो इस तरह के अनेक कवियों के द्वारा बनाई गई है। समझ आ रहा है? अब उसी के बीच में कोई ऐसी चीज बना करके बैठ जाए कि जिसमें आवेग भी नहीं, उद्वेग भी नहीं, समझ आ रहा है, और संसार का कोई रस नहीं, भोगों का रस की कोई बात नहीं, स्त्री रस की कोई बात नहीं, सब उसको बेरस और दिखा रहा है वो, नहीं समझ आ रहा है? जे रस ते रस बेरस लागे, नहीं समझ आ रहा है?
अब जिनमें दुनिया को रस आ रहा है, अब कोई कवि ऐसे ग्रंथ बना दे कि वो कहे कि ये सब में कोई रस ही नहीं है, तो आम आदमी तो यही कहेगा भैया तुम ही अपने रस में रहो, हमें तुम्हारा रस नहीं चाहिए। नहीं समझ आ रहा? एक समझदारी की बात इतनी तो होगी। आम आदमी क्या करता है? आम आदमी को तो वो रसदार चीजें चाहिए जिसमें उसको रस आए, मजा आए। समझ आ रहा है? इससे मतलब नहीं है कि रस वास्तव में कहां है, कैसा होता है, लेकिन उसको इससे मतलब है कि जिसको देखते ही, खाते ही, सुनते ही उस मजा आना चाहिए। वो ही चीजें दुनिया में ज्यादा बिकती हैं और उन्हीं चीजों की दुनिया में ज्यादा खपत होती है, और दुनिया में उन्हीं चीजों के उपभोक्ता सबसे ज्यादा मिलेंगे। क्या समझ आ रहा है? दाल रोटी खाने वाले कितने लोग मिलेंगे? दाल रोटी के उपभोक्ता कितने लोग मिलेंगे? और पिज्जा और बर्गर और चाउमीन के उपभोक्ता कितने मिलेंगे? है? सोच लो, सब जगह ऐसे ही व्यापार चल रहा है। हाँ, सब जगह इसी तरीके की पूरी ये संयोजना चल रही है, खुद भी ठगो दूसरों को भी ठगाओ। उन्हें मालूम है कि इन सब चीजों में हम क्या क्या मिलावट कर रहे हैं, लेकिन क्या करना है, जब तक लोगों को पता पड़ेगा तब तक तो अपन कहां आसमान छू चुके होंगे। हाँ, और जब तक कोई अपने ऊपर रेट डालने आएगा या कुछ करने आएगा तब तक तो अपन उनको भी खरीदने लायक बन चुके होंगे। हाँ, जब तक किसी की सुध आएगी कि ये कौन सी कंपनी है, कहां जा रही है, तब तक तो हम बहुत ऊपर जा चुके होंगे। समझ आ रहा है? बस यही सोच के आदमी सब कुछ कर लेता है। यही लिखा हुआ है, स्व और अन्य के वंचक दुनिया में बहुत हैं, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र बनाने वाले हो गए हैं, और सबने खूब रस भर रखे हैं सब तरीके के, और उनमें सबको मजा आएगा। और ये कौन सा है? यहां ना आवेग है ना उद्वेग है, यहां क्या है? निर्वेद है। कौन सा है? निर्वेद है, निर्वेग है। यहां पर तो वेग से रहित हो जाता है, जे रस ते रस बेरस लागे। जो रस थे वे भी बेरस लगने लग जाए, तो ऐसे लोग तो बहुत कम होंगे जिन्हें, समझ आ रहा है, जो रस में आनंद आ रहा हो उन रस को छोड़ पाए और वो रस उन्हें बेरस लगने लग जाए और फिर वो किसी नए रस की खोज में जाए। लेकिन जो जिस रस में डूबे हैं उन्हें उसी रस में और डुबो दो, तो ऐसे लोग तो आराम से अपनी दुकान चला ले जाएंगे। क्या समझ आ रहा है? सबको चटपटा चाहिए, तो आप कुछ भी मिलाओ चटपटा दे दो, बस एक बार उसको चटपटे का स्वाद और अच्छा लग गया तो उसे मतलब नहीं कि उसमें चाहे केमिकल डला हो, चाहे कोई उसमें सुअर के मांस की चर्बी डली हो, कुछ भी डलाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है, चटपटा होना चाहिए बस। तो जिसे एक बार चटपटे का स्वाद लग गया, अच्छे अच्छे पैकेट हैं, अच्छी अच्छी उनकी कीमतें हैं, तो वो क्या सोचता है, ये दाल रोटी खाने वाला, इसके भाग गई तो देखो। अब वो 5-स्टार होटल में खड़ा है सूट बूट पहने, समझ आ रहा है, और कोई दाल रोटी खाने वाला उससे कहे भाई ये सब फूड ठीक नहीं है, तो वो कहेगा तेरा मूड ठीक नहीं है। बोले तू क्या जाने इनका स्वाद, पैसा लगता है, पैसा कहां है तेरे पास, तेरे पास पैसा तो है ही नहीं है, सो तू कह रहा है दाल रोटी खा ले, दाल रोटी तो दरिद्री खाते हैं, है? बड़े बड़े लोग, 5-5 हजार रुपए की चाय पीने वाले लोग, समझ आ रहा? तू क्या जाने 5-स्टार होटल की चाय पीने में क्या आनंद आता है। हाँ, तूने कभी पी नहीं, 1 रुपए वाली चाय पीता रहा, और हमसे कह रहा है ये मत पी। समझ आ रहा? यही तो कहते हैं आपके बच्चे आपसे, जो हम आपको बता रहे हैं, बच्चे भी बन रहे हैं, आपके बाप भी बन गए, सब कुछ बन के आप ही को बता रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है?
तो आदमी को चीज जब कोई अच्छी लगती है तो किस बेस पर अच्छी लग रही है? अब वो चाय कौन सी चाय है जो 5,000 रुपए की मिल रही है? इतनी सी चाय मिलेगी, दो घूंट में वो चाय वो पूरी हो जाएगी, और कहो कि उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं होगा। अपने घर की चाय तो मीठी भी लगेगी, समझ आ रहा है? कुछ उसमें खुशबू भी आएगी, कुछ उससे मन भी भरेगा, लेकिन वहां तो वो पी लेगा, दो घूंट उतर जाएगी और वैसा का वैसा ठगा सा खड़ा रह जाएगा, लेकिन बस इतना, आज 5-स्टार होटल की चाय पी है, आज हमने 5,000 वाली, बस इसका मजा आएगा बस। है? समझ है? ब्लैक टी है? ग्रीन टी की क्या जरूरत है जब ब्लैक टी मिल रही है तो, समझ आ रहा है? तो यही चल रहा है दुनिया में सब जगह। बहुतायत लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ा लिखा आदमी क्या देखता? बहुतायत लोग क्या कर रहे हैं? बहुतायत लोग तो यही करेंगे, जिन्हें बहुतायत लोगों को किसमें रस आ रहेगा? तो जिसमें उन्हें रस आ रहा था उसी रस को बढ़ाने वाली कोई चीजें मिलेंगी, उन्हें उसी में रस आएगा। अब दाल रोटी में किसको स्वाद आएगा? कितनी दाल में अच्छा छोंक लगा दो, कितना ही अच्छे उसमें मसाले मिला लो, अच्छे अच्छे बढ़िया क्वालिटी के घर में बना करके शुद्ध मसाले मिला करके कितने ही अच्छे बना लो, वो दाल आपकी वो अच्छी लगेगी नहीं जिसको स्वाद लग गया है होटल की दाल खाने का। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।